आमिर लिया हुसैन साहब ने तीसरी शादी की, उनका स्टैमिना है, उनका दिल है, उनकी मर्जी। खान साहब ने तो जो घबराहट फड़फड़ाहट हर चीज हमारे अंदर डाल दी है ना। औरत माज के ऊपर क्या टेक है? मैंने कुछ बैनर्स देखे जो दिल चाह रहा था उसके मुंह पर लानत मारू लड़की के। प्रैंक्सटर्स में फिर नादिर भाई का एक तो फिर वो लेवल है, वो तो रूल करते हैं पाकिस्तान में। उठे जवाब निकालते जिनका ना सर और ना पर, मतलब दे जस्ट वांट्स टू गो इनटू द सेक्सुअल फेज सम टाइम। लोगों को ये भी लगता है कि मतीरा को यू नो लेट्स जस्ट हैव सेक्स इज नो बिग डील टाइप ऑफ थिंग, पर इट्स नॉट लाइक दैट। अगर किसी लड़की ने स्कर्ट पहना हुआ है, शी इज नॉट अ स्लट, शी इज नॉट गोइंग टू स्लीप विद यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। नाज़रीन, मथीरा के साथ हम इस तक मौजूद हैं। दबंग अंदाज से बोलती हैं, जब बोलती हैं इंतहाई स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती हैं। इंडस्ट्री में एक नाम है सब लोग जानते हैं और वो नाम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो जब बात करते हैं दबंग अंदाज में करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना जिंदगी का एक नजरिया है या फील्ड में रहने के लिए ये चीजें की भी जाती हैं? आई थिंक ये जिंदगी का एक नजरिया है। फील्ड में रहने के लिए बहुत कुछ किया जाता है जो कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। जो मैं हूँ वो हूँ, कबूल करो या निकल जाओ। इंडस्ट्री में आती हैं तो ये होस्टिंग करना और होस्टिंग के साथ रोस्टिंग भी कर देती हैं, तो ये शौक में शामिल था, कोई प्रैक्टिस खास की जाती है इसकी? जिंदगी के चमाटे लगा लगा कर इंसान के गुंगे के मुंह में भी जुबान आ जाती है। रोस्टिंग में किसी से करती नहीं हूँ। सीधे चलोगे तो मुझसे ज्यादा सीधा इंसान कहीं नहीं मिलेगा, थोड़ा सा टेढ़ा चलोगे तो फिर कान पकड़ लोगे। गायकी से या शायरी से कोई लगाव है? यार शायरी से है लगाव लेकिन भूल जाती बहुत जल्दी। कोई एक शेर अगर आपके जहन में आ रहा हो इसमें? यार आय हाय हाय, बड़ा अजीब सा शेर है लेकिन आई रियली लाइक दिस। मेरी मोहब्बत, मेरी मोहब्बत नहीं नहीं बोलती। नहीं, बोले, बोले, बोले। शेर अगर आपके जहन में और इस वक्त क्या आपको लगता है कि अपनी क्योंकि मूव कर गए, मूव कर नवाज शरीफ शेर। अगर इंसान अपनी जिंदगी मूव ऑन कर जाता है तो ये वाला शेर भी नहीं कि याद माजी अजाब है यार अब छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा, या उसको हाफिजे को ना छीने उसको सोच सोच के बंदा आगे चलता है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बोलती हूँ देखो एक सिंपल सी बात है, मेरी लाइफ में अगर कोई मेरे साथ जहन्नम में नहीं खड़ा हो सकता मैं उसको जन्नत क्यों दिखाऊं? पहले जहन्नम से गुजरो हम जन्नत दिखा देंगे। जो बंदा मेरी जिंदगी में आता है उसको मैं ऐसे चीजों पर पटखाती हूँ। अगर वो टिक गया तो वो जैकपॉट उसका, अगर नहीं टिका तो अल्लाह हाफिज। मैंने कभी भी किसी से प्यार नहीं करती, प्यार अपने आप से करती हूँ। किसी से प्यार नहीं होता? नहीं। किसी से शादी करना अगर पॉलिटिशियन है पड़े तो शेख रशीद साहब का अक्सर लोग नाम लेते हैं, आपको लगता है शेख साहब वाकई कोई ऐसा मटेरियल है जिसे शादी की जाए? वो होंगे किसी और के लिए, मैं आई थिंक ही इज अ गुड गाय फॉर अनदर। उनके उनको वो जो अलग तरह की बंदियां पसंद होगी, बट मेरी चॉइस बिल्कुल ये नहीं है। औरत माज के ऊपर क्या टेक है? आई थिंक मैसेज जो निकलना होता है वो नहीं निकलता, वो बहुत ही इधर उधर चला जाता है, फैशन स्टेटमेंट हो जाती है, तो हर बंदा अपनी दुकान चमका रहा होता है वहाँ कि मैं जितना पुट्ठा काम या जितनी भी पुट्ठी बनकर आऊं या कुछ भी लिखकर आऊं तो वो एक ऑकवर्ड सी चीज हो जाती है। मैंने कुछ बैनर्स देखे जो दिल चाह रहा था उसके मुंह पर लानत मारूं लड़की के। सो आई थिंक अगर किसी को औरतों के लिए कुछ करना है ना तो प्लीज रोडों पर निकलकर कुछ नहीं होगा। करना है तो जॉब्स निकालो, तो छोटी छोटी चीजें निकालो, तो छोटे छोटे फंड्स इकट्ठे करो जहां इन बच्चियों को वजी को पैसे पहुंचे। ये होता है औरतों के हुकूक के लिए कुछ करना। रोडों पर बैठकर करना इज नथिंग। बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअली उसका मतलब जानते हैं, बाकी तो सब होते हैं आप उनसे पूछो क्या हो गया, कुछ नहीं आए एंजॉय करने, बस यही होता है। क्या होते हैं पुंडी करने निकलते हैं। अच्छा पुंडी करने निकलते हैं, मतलब ताड़म ताड़ी चलती है वहाँ पे, यही सीन है चल रहा होता है। एक खातून की पर्सनल क्या होता है, कुछ चीजें क्या चेक की जाती है, बैलेंस चेक एंड बैलेंस कैसे होता है, पर्सनैलिटी कैसे जज की जाती है, बंदे का कैसे पता चलता है? बंदे का पता चलता है वक्त के साथ। तो वक्त गुजारना जरूरी है? हाँ वक्त गुजारना जरूरी है। मेरे साथ बहुत सारी चीजें है तो अगर वो इंसान उन बहुत सारी चीजों को लेकर चले ना तो वो काबिल प्यार है। अगर वो इन चीजों को देखता ही नहीं है तो वो मेरे नाम से प्यार करता है, उसके जैसे फिर वो प्यार नहीं वो हवस है। खवातीन के लिए कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में दाखिल होने के वक्त कुछ मराइल ऐसे हैं जो तलख हैं, क्या वाकई ऐसा कुछ होता है कास्टिंग काउच वगैरह में या ये सिर्फ बातें हैं, क्या सराइयां हैं? आई थिंक कास्टिंग काउच तो हर जगह होता है, आप बैंक में जाओ तो भी होता है, हर जगह होता है। जहाँ दो लोग होते हैं किसी एक पागल बंदर के हाथ में पावर आ जाता है वो मिसयूज करता है। तो आई एम नॉट गोइंग टू से कास्टिंग काउच इंडस्ट्री में नहीं है, इट्स एवरीवेयर, इट डिपेंड्स आप करना चाहते हो या नहीं। इंडस्ट्री में हैरेसमेंट है या नहीं? आई थिंक होती होगी यस।
यंग बच्चों को झूठ बोलकर हरास करते हैं, ठीक है, लोग फ्रॉड करते हैं इस इंडस्ट्रीज ग्लैमर के नाम पर. आई नेवर गॉट टू फेस ऑल ऑफ दिस. और दूसरी बात, इवन इफ आई डिड, आई एम वेरी श्याणी, सामने वाले को उठाकर फेंक देती हूँ. सो इट्स नॉट लाइक दैट. कभी आपसे कोई इस तरह का चीज फेस की इंडस्ट्री में? नंबर वन, मैं आई एम अ लाउड माउथ, तो लोग की थोड़ी सी डरती भी है. दूसरी बात, बिकॉज आई एम बोल्ड, लोग को ये भी लगता है कि मतीरा को, यू नो, लेट्स जस्ट हैव सेक्स, इज नो बिग डील टाइप ऑफ थिंग, ठीक है. पर इट्स नॉट लाइक दैट. अगर किसी लड़की ने स्कर्ट पहना हुआ है, शी इज नॉट अ स्लट, शी इज नॉट गोइंग टू स्लीप विद यू. आप अब्रॉड जाकर ये थियोरी क्यों नहीं रखते हैं? पाकिस्तान लड़कियों के लिए क्यों होती है ये थियोरी कि अगर कोई बोल्ड ड्रेस कर रहा है तो वो तो कुछ भी कर लेगी? नहीं भाई, वो बोल्ड ड्रेसिंग अपने आप के लिए कर रही है. और कुछ ऐसी भी लड़कियां होती है जो बिल्कुल ढकी हुई होती है, लेकिन वो इतनी खुली होती है कि वो बस हो ही होती है. तो यू नो, इट्स अ वेरी मिक्स्ड थिंग्स. लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में इश्क मोहब्बत करते हैं, लेकिन एक खास दिन को, वैलेंटाइंस डे को, इस चीज से मुंसलिक कर लिया जाता है. मतीरा का क्या पैगाम है इस दिन पे? मैं लोगों को ये बोलूंगी, खुदा के वास्ते जो टाइम होता है अपने आप को बिल्ड करने में, आप लोग आशिक मशूकी में पड़ जाते हो. टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, महबूब रुक जाएगा अगर वो सच्चा प्यार वाला होगा. आमिर लियाकत हुसैन साहब ने तीसरी शादी की, लेकिन लोगों ने खासी तनकीद की. आपने इस चीज को कैसे लिया? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? उनका स्टैमिना है, उनका दिल है, उनकी मर्जी. जिनको उन्होंने छोड़ा है, उनके हक अगर उन्होंने अदा कर लिए, देन इट इज अ रियली गुड थिंग. सो वो लड़की भी जो बैठी हुई है, वो लग रही है प्यार में, कोई जबरदस्ती तो नहीं लग रही. तो अब प्यार लाइक ए सेट अंधा होता है, लंगड़ा होता है, लूला होता है. पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात की जाए या ड्रामा इंडस्ट्री की बात की जाए, यहाँ पे आप आने वाले वक्त में किसी प्रोजेक्ट्स में हमें दिखेंगी? आई डोंट नो अबाउट द पाकिस्तानी इंडस्ट्री, उनके लिए तो मैं एक ब्लैक शीप हूँ. जो काम मुझे मिला है वो अल्लाह ने बस दिया है. आई एम नॉट विद एनी लॉबीज, ना मैं किसी के इतने उठाती हूँ. बहुत सारे लोगों ने मुझे काम नहीं दिया, लेकिन फिर भी अल्लाह ने इज्जत दी. पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है तो कोई फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? आई लव्ड बेनजीर, एंड उसके बाद आई थिंक बिलावल, he's good. खान साहब के बारे में क्या ख्याल है? खान साहब ने तो जो घबराहट फड़फड़ाहट हर चीज हमारे अंदर डाल दी है ना. वो बहुत ऑनेस्टली मैं थोड़ा बहुत अर्न करती हूँ, लेकिन अगर मेरी जैसी बंदी बोल रही है जो इतनी हसल कर कर चल रही है, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि एक इंसान जिसकी सैलरी 20,000 है, उसका क्या हशर हो रहा होगा. मथीरा अगर बताना चाहे तो मंथली इनकम क्या होती है? मेरा ऑफिस में जी 3,00,000 देता है. टिकटॉकर्स आपके प्रोग्राम में हमने देखे बेशतर मौजूद होते हैं. आप उनके आने से पहले कोई होमवर्क करती हैं या बंदे को देखते ही वो जज कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं? नहीं, ऐसे कोई होमवर्क होता नहीं. इतनी बड़ी स्टार हूँ नहीं कि बैठकर होमवर्क करूँ तो ये करूँ वो करूँ. मैं बोलती चलो जी बैठो, आप लोग चलो गपशप करते हैं. हम तो गपशप ही कर रहे होते हैं ना. उनको बुरा लगता है मेरी बातों का, ना मुझे लगता है उनको बुरा लगना चाहिए. कुछ है बहुत टैलेंटेड वाले लोग कि आप देख कर बोलो वाह, कुछ ऐसे हैं जो कोई कुत्ता बिल्ला है तो कोई उछल रहा है तो कोई लड़का लड़के से लगा हुआ है. तो वो चीज़ें बड़ी ऑफ द सीन मुझे लगती है. प्लेटफॉर्म कोई भी गंदा नहीं होता, इंसान के दिल में मेल हो ना तो वो वहीं शुरू कर देगा गंदगी. क्रिकेटर अगर बात की जाए तो क्रिकेट में कोई इस वक्त प्लेयर फेवरेट है? आई थिंक लाला पुराना शेर, लेकिन शेर शेर है. टीम PSL जो जाती पाकिस्तान का ब्रांड है क्रिकेट का, उसके अंदर जो फ्रेंचाइजेस खेल रही है, कौन सी फेवरेट है? आई हैव ऑलवेज लाइक पेशावर ज़ल्मी, दे हैव ऑलवेज बीन द बेस्ट. पर लेकिन जो कराची किंग्स के साथ हो रहा है तो वो बड़ा अजीब हो रहा है. लाहौर वाले लोग ने बड़ा अच्छा कमबैक किया है. इस बार आपको लगता है कि लाहौर कलंदर शायद जीत जाए? यार मुझे तो यही लगता है. अरे राणा साहब बस नहीं आना चाहिए, राणा साहब आते पूरी मनुष्यता आ जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है. किस बंदे को अब वाकई एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए, जिसमें अदनान सिद्दीकी है, हुमायूं सईद साहब है, यासर रहमान है? हुमायूं को तो नहीं छोड़नी चाहिए. क्यों भाई, उसने इतना स्ट्रगल किया, वो क्यों छोड़े? वो कहते हैं अब तक हीरो आ रहे हैं, मतलब क्या हुआ, जल क्यों रही है? बंदे ने स्ट्रगल भी इतना किया है, अल्लाह मियां उसको फल तो देगा ना. इनमें से ज्यादा अच्छी एक्टर कौन सा है, मायरा खान या मवेशिया? आई थिंक मायरा is good. Yeah, Mavish. मायरा अच्छी है, लेकिन मैविश अच्छी, मैविश भी अच्छी है. कॉमेडियन और एज ए होस्ट कौन ज्यादा अच्छा है, ताबिश हाशमी या नादिर अली? ताबिश हाशमी. प्रैंकस्टर्स में फिर नादिर भाई का एक तो फिर वो लेवल है, वो तो रूल करते हैं पाकिस्तान में. उठे जवाब निकालते हैं जिनका ना सर ना पर, मतलब ही जस्ट वांट्स टू गो इनटू द सेक्सुअल फेज समटाइम्स. मैं उनके शो पर गई थी, उन्होंने बड़े पुठे सवाल किए थे, दैट डिडंट मेक सेंस. सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी नॉन ह्यूमरस वे. पब्लिक बोलती है कि ताबिश हाशमी जिनके सामने जो मेहमान बैठता है तो वो खटकती है उसको बातें कि यार अब कुछ आएगा, अब कुछ आएगा, लेकिन मथीरा जाती हैं
कुछ वो बिल्कुल बरक्स हो जाता है, जहाँ ताबिश की एक पीक जा रही थी वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। तो वो खास बात थी उस प्रोग्राम की तैयारी करके गई थी? नहीं नहीं, कोई तैयारी नहीं थी। मैं बैठी हुई थी एज द गेस्ट, एंटरटेन करना था, वो था होस्ट, उनको भी एंटरटेन करना था। सो आई थिंक जब दो एंटरटेनर्स बैठते हैं तो चीज अच्छी होती है। अपनी जाती जिंदगी के बारे में बात भी करती हैं या डिवोर्स का जिक्र करती हैं, और आपने उसमें कोई मार पिटाई का जिक्र भी किया, शायद मैंने गलत पढ़ा, वो क्या किस्सा था? नॉट ओनली पाकिस्तान, ऑल द एशियन कल्चर में ये एक टैबू है कि डिवोर्स इज नोन टू बी बंदी की जिंदगी खत्म डिवोर्स के बाद, विच इज नॉट ट्रू। पुरानी जो बुढ़िया थी उन्होंने ये सिखाया था कि शौहर आपके मजेदी वो क्या होते हैं नहीं वो क्या होते हैं मिजाजी खुदा मिजाजी खुदा है, जो बिल्कुल नहीं है। शौहर आपका पार्टनर है, जिस दिन आपके पार्टनर ने आपके साथ फ्रॉड किया, हाथ उठाया, ये चीजें की, तो आप भी उतना ही राइट है कि आप उस पार्टनरशिप को एंड कर लो। प्यार आई लव यू बोले और फिर बाद में आपको चमाटे मारे और फिर आपके पांव पकड़ कर रोने लगे और फिर बोले मैंने गलती कर ली, अब ये नहीं होगा, फिर ये रिपीट होता है, तो एक इंसान को इस पूरी टॉक्सिक ड्रामे की आदत हो जाती है। वो कहते हैं कि शादी से पहले प्यार अलग होता है, शादी के बाद अलग होता है, वाकई कोई इस तरह का सिलसिला रहता है? नहीं, आई थिंक शादी से पहले जो होता है वो होती है एक जस्तजू पाने की, शादी के बाद कुछ लोग उस जस्तजू को बोल देते हैं अब हो गई। जब कोई चीज आपकी तरफ आ जाती है, बहुत कम लोग होते हैं जो उस चीज को मेंटेन करके लेते हैं, तो कुछ लोग उस चीज को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और यू नो इट्स नॉट अ वन वे गेम, क्या बोलो वो मेरे लिए सब कुछ करे 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 और मैं कुछ नहीं करूँ, इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक। ये सिर्फ औरतों के लिए भी नहीं, कुछ मर्दों के साथ भी नाइंसाफी होती। मैं कभी भी वुमेन राइट्स वाली बंदी नहीं हूँ, मैं हूँ ह्यूमन राइट्स वाली बंदी। मर्द की डेफिनेशन आपकी नजर में क्या, एक बंदा अच्छा क्या होता है और एक बंदे में खामियां तो वो क्या है? मर्द वो होता है जो अपने हर एहसास हर इमोशंस को ओन करता है, उस चीज के तरफ जाता है और अपनी लाइक के सारे इमोशंस खोल कर दिखाता है। मर्द वो नहीं है जो एक तवंगर हम दिखाते हैं जो ग्लास फेंक कर बोलता है चबैट तो ये तो फलाना है, तो वो बंदा आ रहा है कमरे में तो बच्चे सहम गए और जी बीवी चली गई चूल्हे पर, वो मर्द नहीं है, वो मॉन्स्टर है। मर्द वो होता है जब वो दरवाजे से आता है तो बच्चे भी आ रहे होते हैं, बीवी भी खुश होती है, वो होता है मर्द। लेकिन गुफ्तगू आपने सुनी, मथीरा हमारे साथ मौजूद थी, तमाम तरह चीज़ें आपको आपने सुनी होंगी, आपने एंजॉय की होंगी। उसी उम्मीद के साथ कि शहर कायद बिलखसूस मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो जाए। मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा, जिंदगी ने वफा की तो आपसे एक बार फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।